प्रधानमंत्री मोदी ने जयचंदो की एक फौज बना रखी है। उस फौज में बददिमाग प्रवक्ता, दोरुपल्ली के ट्रोल, तमामों मंत्री, सांसद, ऊल जलूल की बातें करने वाले सारे भाजपाई शामिल हैं। और माफी वीरों के ये वंशज जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक नाखून नहीं कटाया, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद पर, देश पर, लोकतंत्र पर। गजब विडंबना है। एक बात लेकिन साफ है कि ये जितने जयचंद हैं ये चलते मोदी जी के इशारे पर हैं। वो कहेंगे बैठ जाओ तो ये लौट जाएंगे, वो कहेंगे हंसो तो ये खीसे निपोरेंगे, वो कहेंगे सांस लो तब ये सांस लेंगे। और जिस तरहीन भाषा का ये प्रयोग करते हैं, जिस विवेकहीन वक्तव्यों को ये रखते हैं, वो मोदी जी की ही कारण है। वो ही बोल रहा है इनसे इस भाषा का प्रयोग करने के लिए। लेकिन कांग्रेस गंदगी का जवाब गंदगी से नहीं देगी, क्योंकि व्हेन यू रेसल विद द पिग एंजॉयज इट। तो जो लोग कॉमेडी सेंट्रल में होने चाहिए थे आज भाजपा के प्रवक्ता बने बैठे हैं। मोदी जी के इशारों पर वो स्थरीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और पता है क्यों कर रहे हैं? अडानी के सवालों का जवाब न देना पड़े। आज सब लोग पूछते हैं कि 13,000 करोड़ रुपए का गबन कर कर आपकी आंखों में 5 साल से धूल झोंक रहा है आपका मेहुल भाई। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है, अब उसको कैसे लाइएगा वापस? तो आपने सुबह सुबह ये रायता फैला दिया। लेकिन असलियत यह कि सच किसी से छुपने वाला नहीं है। और लोकतंत्र और सदन की दुहाई तो आप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि सदन में जबरन बिल को पास कराने का काम आपने किया है, उन बिल को जिनके कारण 700 किसानों की शहादत हुई और आपको घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ी। लोकतंत्र का पाठ आप राहुल गांधी जी को पढ़ाइएगा, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को मानस पटल पर अंकित करने का काम किया है। असलियत यह है कि स्तरहीन भाषा, ऊल जलूल के वक्तव्य और जयचंदों की फौज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के इशारे पर चलती है। और उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, अडानी को बचाना है। बस, बाकी सब जबानी जमा खर्च है।